WTC पॉइंट टेबल में भारत का हाल बेहाल। न्यूजीलैंड श्रृंखला में मिली जिल्लतों भरी हार ने मुश्किल कर दिए WTC फाइनल में पहुंचने के भारत के आशा। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो सबसे मजबूत वही दिख रहे थे WTC फाइनल में पहुंचने के लिए। सबसे ज्यादा सुदृढ़ किसी का पोजीशन माना जा रहा था तो भारतीय टीम का माना जा रहा था, क्योंकि इस श्रृंखला से पहले वो एकदम सुनिश्चित हो चुके थे कि भैया उनको पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि कुल 7 या 8 टेस्ट मुकाबले खेलने थे, उसमें से 4 जीतने थे, 1 ड्रॉ करवाना था, जिसमें से 3 भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड के खिलाफ थे। लेकिन वहां पर हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपड़ा साफ हो गया भारतीय टीम का, अपनी सरजमी पर 3 के 3 मुकाबले हार गई, जो इतिहास में कभी भी भारतीय टीम के साथ नहीं हुआ था, वो पहली बार कीवियों ने भारतीय टीम के साथ कर दिया है, जिस कारण से WTC पॉइंट टेबल में भारतीय टीम का हाल बेहाल हो गया है, उनका स्थान अब दूसरा हो गया है। और अगर हम PCT पॉइंट की बात करें तो वो भी काफी कम हो गया है। अब जो अगली श्रृंखला है भारतीय टीम के लिए, वो करो या मरो की श्रृंखला है। उससे भी बड़ी बात, डरावनी बात यह है कि वो श्रृंखला ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर खेलनी है, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया का लगभग अब भारतीय टीम को सुपड़ा साफ करना होगा अगर वो अपने बूते पर, अपने दम पर WTC फाइनल में जगह बनाना चाहते। तो आइए देख लेते हैं, इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिरकार भारतीय टीम का WTC फाइनल में क्या कुछ स्थान है, क्या कुछ समीकरण बचे हैं, और किस तरीके से भारतीय टीम WTC के फाइनल में अभी भी जगह बना सकती है। अगर हम बात करें WTC फाइनल की, वो आपके स्क्रीन पे है, यहां पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर आ गई है 62.5, भारतीय टीम दूसरे पायदान पर है 58.33, यानी बड़ा सेटबैक इस श्रृंखला ने भारतीय टीम को दिया है। जो लगभग 68 PCT पर थे वो 58 पर आ गए हैं, वो लड़ाई में आ गए हैं श्रीलंका 55, न्यूजीलैंड 54.5, साउथ अफ्रीका 54.17, और ये जो 3 टीमें हैं श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये भारतीय टीम के ऊपर कर रहे हैं खतरे की तरह मंडरा रहे हैं। इनकी जो श्रृंखलाएं हैं, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका बड़ी श्रृंखला है, फिर उसके बाद करें न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, ये बड़ी श्रृंखला है, ये श्रृंखलाओं पर भी भारतीय टीम का नजर रहेगा, क्योंकि जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला है, अगर वहां पर भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 4-1 नहीं करती है, या फिर 4 मुकाबले जीतना 1 मुकाबले ड्रॉ, यानी 4-0 नहीं करती है, फिर इनको इन श्रृंखलाओं पर निर्भर होना पड़ेगा, समीकरण बैठाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि किस तरीके की स्थिति परिस्थितियां हैं। तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, अगर भारतीय टीम को इस श्रृंखला में 4-0 या फिर 4-1 से जीत मिलती है, तो लगभग वो अपने दम पर, अपने बूते पर WTC फाइनल में पहुंच जाएंगे, और जो होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, जो होना बहुत असंभव दिख रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल तो आप श्रीलंका से आ रहे हैं, अपनी सरजमी पर आ रहे हैं, अब आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है, न्यूजीलैंड से हारे हैं, अपनी सरजमी पर हारे हैं, अब आपको किसको हराना है, ऑस्ट्रेलिया को हराना है, ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर हराना है, तो आप समझ लीजिए कितनी स्थितियां, कितनी कठिन कार्य बचा हुआ है। देखना दिलचस्प रहेगा किस तरीके से भारतीय टीम यहां से खेलती है, लेकिन अब बचे हुए 5 मुकाबले में अपने दम पर पहुंचने के लिए भारतीय टीम को कम से कम 4 मुकाबले जीतने हैं, 1 ड्रॉ करना है। अगर ऐसा कुछ करने में भारतीय टीम संभव हो पाती है, ऐसा कुछ वो कर ले जाते हैं, करिश्मा कर देते हैं, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने उनके खिलाफ करिश्मा किया, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर कर देते हैं, तो फिर वो पहुंच जाएंगे WTC फाइनल में। देखना दिलचस्प रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है, भारतीय टीम WTC फाइनल पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का श्रृंखला है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, वो दोनों श्रृंखलाएं पर भी भारतीय टीम की नजर रहेगी, किस तरीके का, किस टीम का प्रदर्शन आएगा। भारत उम्मीद करेगी कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को धराशायी करे, और यहां पर श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका में 1-1 मुकाबले दोनों टीमें जीतें, भारत यहां पे एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया को श्रृंखला हराए, तब जाकर वो WTC फाइनल में जगह बना लेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर आना चाहिए आपका। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।